ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धन और भौतिक सुखों के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 7 अगस्त 2022 की सुबह में 5:12 पर शुक्र मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं और कर्क राशि में 31 अगस्त 2022 तक शुक्र का संचरण रहने वाला है। तो इसका प्रत्येक राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होगी, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो शुक्र को वैदिक ज्योतिष में एक शुभ ग्रह माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार शुक्र को दैत्यों का गुरु भी कहा जाता है। शुक्र को वैवाहिक सुख, समृद्धि, भौतिक सुख, मनोरंजन, प्रेम जीवन, भोग विलास, कला और प्रतिभा, सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक सुख, इन सभी चीजों का कारक शुक्र को माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का प्रभाव होता है। शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी होते हैं। इनकी महादशा 20 वर्षों की होती है और एक राशि में करीब करीब 23 दिन तक गोचर करते हैं, उसके पश्चात अगली राशि में जाते हैं। और देखिये, जीवन में यदि शुक्र बली हो तो व्यक्ति की संवाद शैली काफी ज्यादा मधुर होती है। ऐसे जातक के जीवन में भौतिक सुखों की किसी प्रकार से कमी नहीं होती है। शुक्र बली हो तो जातक दीर्घायु भी होता है और ऐसा जातक संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन विधाओं में इन्वॉल्व होकर बड़ी सफलता अर्जित करने वाला भी होता है। वहीं शुक्र के पीड़ित होने पर कई प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। शुक्र पीड़ित हो तो जीवन में दरिद्रता और परेशानी, वैवाहिक जीवन में समस्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, प्रेम को लेकर बाधा देखने के लिए मिलती है। और शुक्र यदि खराब हो तो परिवार में लगातार कलह की संभावना बनती है। ऐसे जातक को जीवन में गुप्तांगों से जुड़ा हुआ रोग देखने के लिए मिलता है और जैसे श्वेत प्रदर की समस्या, सेक्स से जुड़ा हुआ रोग शुक्र के खराब होने पर भी देखने के लिए मिलता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए धन भाव और आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। 7 अगस्त 2022 को शुक्र आपके राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले हैं। आपके राशि के चतुर्थ भाव से माता, सुख, जमीन जायदाद, वाहन और प्रॉपर्टी के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कार्यों में आपको उन्नति देगा। संवाद शैली आपकी काफी ज्यादा मधुर रहेगी। इस गोचर काल से इस समयावधि में, यानी 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में, आपके पारिवारिक जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी तो पारिवारिक जीवन में संभावना आपके लिए बेहतर बनती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में इस समय अंतराल में परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। करियर के मामले में मेष राशि के ऐसे जातक जो शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में संलग्न हैं, जैसे यदि आप कलाकार हैं, पेंटर हैं, राइटर हैं, नाटक, थिएटर, सिनेमा में कार्य करते हैं, आर्किटेक्चर हैं, रेलवे विभाग में यदि आप जुड़े हुए हैं, या कपड़ों की दुकान है, होटल या ढाबे का संचालन करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों को करियर के मामले में बड़े लाभ के अवसर जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जो किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं मिलने के कारण हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो शुक्र आपके राशि के चतुर्थ भाव में मौजूद होकर
अपनी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के कर्म भाव को देख रहे हैं, तो कर्म क्षेत्र में आपको जीवन में अच्छे अवसर प्राप्त होने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। वहीं व्यापारिक जीवन में आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिल सकता है। शुक्र का यह गोचर शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए काफी ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। मेष राशि के ऐसे जातक जो क्रिएटिव क्षेत्रों में अध्ययनरत हैं, उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम शिक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में भी यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी, तो वाद विवाद आपके जीवन में समाप्त हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में वैवाहिक सुखों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और मेष राशि वाले जातकों के लिए इस समय अंतराल में अपने पार्टनर के साथ कहीं पर आप घूमने फिरने की योजना भी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। शुक्र के इस गोचर से मेष राशि वाले जातकों को यदि किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम आपको मानसिक रूप से बनी हुई थी या गुप्तांगों में आपको किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, उसके दूर होने की प्रबल संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। सावधानी क्या रखें, तो मेष राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में व्यर्थ के कार्य और व्यर्थ की बातों में संलग्न होने से बचना है और धन का निवेश करते समय सावधानी रखना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं, तो उपाय के दौरान मेष राशि के जातक प्रत्येक शुक्रवार को मां लक्ष्मी के ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करने के उपरांत श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। इससे यदि आपके जीवन में शुक्र की स्थितियां खराब बनी हुई है, उससे आपको निजात देखने के लिए जरूर मिलेगी। वैसे मेष राशि के जातक यदि हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में संभावना बेहतर रहेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं कि नए वीडियो में, तब तक के लिए मेष राशि वाले जातकों ओम नमः।